अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कूकन वॉलेट के अंदर आप किस तरह डिपॉजिट करवा सकते हैं और साथ ही साथ आप किस तरह अपने मेन अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप किस तरह स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, मीन्स कि अगर आप कोई कॉइन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप किस तरह उसको परचेस करेंगे और साथ ही साथ उसको आप किस तरह सेल करेंगे और प्रॉफिट किस तरह हासिल करेंगे। और इसके साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप किस तरह अपने कूकन वॉलेट से अपने अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उसको ड्रॉ ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। इससे पहले जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कि आप किस तरह कूकाइन का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर तो आपने कूकाइन का अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ, आप मेरी लास्ट वीडियो को देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसकी मदद से अपना अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद इस वीडियो को आप फॉलो करें कि आप किस तरह डिपॉजिट करवाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो चलें हम सबसे पहले कूकाइन को ओपन कर लेते हैं अपने वॉलेट को। तो हमने जैसे ओपन किया तो देखें कूकाइन वॉलेट हमारा ओपन होने के बाद हमारे सामने इस तरह की ऑप्शंस आ रही होती हैं, इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो हो रहा होता है। तो आपने सबसे पहले नीचे आ जाना है। तो नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रही है होम की या मार्केट ट्रेड फ्यूचर एंड एसेट। तो आपने कहीं भी नहीं जाना, आपने जस्ट आ जाना एसेट पे। जैसे ही एसेट पे आएंगे तो आपने, क्योंकि मैंने इस पर अपने फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है तो मैंने इसको स्कैन करता हूँ। तो फिंगरप्रिंट स्कैन करने के बाद स्क्रीन लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद आप देखें तो हमारे सामने इस तरह की ऑप्शन आएंगी। जैसे ही मैं एसेट पे आऊँगा तो हमारे सामने इस तरह आएंगे डिपॉजिट एंड बाय क्रिप्टो। तो अभी हम इसके अंदर डिपॉजिट करना चाहते हैं कि हम किस तरह अपने USDT को अपने कूकाइन में डिपॉजिट करेंगे। तो हम इस पर डिपॉजिट पर जाएँगे, डिपॉजिट पे टिक करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें सर्च करना है काइन, आप कौन सा काइन डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, मीन्स कि आप USDT लेना चाहते हैं, बिटकॉइन लेना चाहते हैं, इथेरियम लेना चाहते हैं, कौन सा काइन लेना चाहते हैं। जो भी काइन आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सर्च करेंगे। क्योंकि मैं अभी USDT लेना चाहता हूँ तो मैं अभी USDT को सर्च करूँगा और यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शन आ गई है सेलेक्ट नेटवर्क की। तो आपने यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट करना है कि किस नेटवर्क की मदद से आप यहाँ पर डिपॉजिट लेंगे। तो आपने जो सेलेक्ट करना वो है TRC20 जो सेकंड पे आ रहा है। तो हमेशा आपने यही सेलेक्ट करके रखना है क्योंकि इसमें जब भी आप ये सेलेक्ट करेंगे इसकी सबसे कम फीस होगी। मीन्स के जब आप डिपॉजिट करते हैं तो उसमें से जब कोई बंदा आपको ट्रांसफर करता है तो उसकी फीस डिडक्ट होती है। तो $1 इसमें से फीस डिडक्ट होती है। बेशक आप $10 ट्रांसफर करें या $1000 ट्रांसफर करें तो सिर्फ $1 ही फीस डिडक्ट होगी। अगर इसके अलावा कोई दूसरे मेथड से आप ट्रांसफर करेंगे तो आपकी फीस ज्यादा होगी। तो आपने TRC20 को सेलेक्ट कर लेना है। TRC20 को सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें आपके सामने बारकोड भी आ गया। बारकोड आने के बाद नीचे हमारा नेटवर्क आ गया TRC20 और ये हमारे पास एड्रेस आ रहा है। तो आप यहाँ से एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अगर आप ये किसी को शेयर करना चाहते हैं या आप किसी से ये आप USDT मंगवाना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से शेयर करके भी आप व्हाट्सएप के थ्रू उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपने ही किसी दूसरे वॉलेट से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपने इसको यहाँ से कॉपी किया और आप दूसरे वॉलेट को ओपन करें। तो मैं अपना बिनांस ओपन कर लेता हूँ क्योंकि उसके अंदर मेरे पास कुछ काइंस मौजूद हैं USDT के। ठीक है, तो उधर से हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे अपने कूकाइन के अंदर। तो उस फिर आपने आ जाना है यहाँ पे स्पॉट पे आ जाना है और USDT एंड इसमें हम विड्रॉ लेते हैं। विड्रॉ लेंगे और सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे एड्रेस वो पेस्ट करना है जो हमने कूकाइन से एड्रेस कॉपी किया था USDT का। हम इधर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने नेटवर्क सेट करना है। नेटवर्क हमने लिया था TRC20, तो हम यहाँ से TRC20 लेंगे और इसको हम कंफर्म करेंगे। तो देखें हमारी जो फीस होगी वो 0.8 USDT होगी और जो है 5 मिनट के अंदर ये हमारी ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि आपने ये जो एड्रेस है TRC20 का, USDT का जो एड्रेस है, ये आपने ध्यान से कॉपी करना है क्योंकि ये गलत हो गया तो आपकी सारी की सारी पेमेंट जाती रहेगी। तो अमाउंट आपने मेंशन करनी है कि आप कितने पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो मिनिमम आप $10 कर सकते हैं। तो अगर आप सारे के सारे करना चाहते हैं, मेरे पास अभी 34.28 है, तो हम यहाँ पे $10 या $10 से ऊपर हम मेंशन करेंगे। मैं कहता हूँ $15 में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो $15 यहाँ पे मेंशन किया और उसके बाद हमारे पास USDT फीस आ रही है वो 0.8 है। नेटवर्क फीस जो है वो 0.8 हमारे पास USDT है। तो हम इसका विड्रॉ लेते हैं। विड्रॉ लेके हम यहाँ पर इसको सारा एक दफ़ा चेक कर लिया। चेक करने के बाद हम इधर से कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद हमारे पास रिस्क वार्निंग आ रही है तो हम इसको वेरीफाई करवा देते हैं। वेरीफाई नो पर जाएंगे हम, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे, हम उसका आंसर देंगे और इसको वेरीफाई कर देंगे।
तो यहाँ पे देखें एड्रेस टाइप आ रहा, तो मैं कहता हूँ बी ऑप्शन करता हूँ, माई डिपॉजिट एड्रेस ऑन अदर स्पॉट और फ्यूचर एक्सचेंज। तो हम इस पर नेक्स्ट करते हैं और एसेट कैन नॉट बी रिकवर, हम कहते हैं कोई बात नहीं, इस पर भी हम इसको सबमिट कर देते हैं और हम इसको कंफर्म कर देते हैं। जैसे अब जैसे ही हमने इसको कंफर्म किया तो अब हमारे पास वेरिफिकेशन के कोड आ गए। अब ये हमारे पास दो कोड आएंगे, एक मेरा मोबाइल फ़ोन पे और एक हमारा ईमेल एड्रेस पे। तो मैं इस पर सेंड करता हूँ और हमारे पास जैसे ही कोड आते हैं तो मैं इस पर वेरीफाई करवा के आपको दिखाता हूँ। अच्छा देखें यहाँ पे मैंने अपने जो कोड हमें रिसीव हुए हैं मोबाइल फ़ोन पे और ईमेल एड्रेस पे, वो मैंने दोनों यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे इसको सबमिट करता हूँ। अब इस सबमिट किया तो देखें हमारी ये विड्रॉ प्रोसेस पे है, तो हम व्यू हिस्ट्री करते हैं तो देखते हैं अभी ये अप्रूवल इसकी हो चुकी है कि नहीं। अभी प्रोसेस में है, यानी कि अभी प्रोसेस हो रहा है, अभी ये वेटिंग अप्रूवल है, अभी अप्रूव नहीं हुआ, अभी वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हुए। तो जैसे ये होते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से अब हम जाके अपना कुक एंड वॉलेट को चेक करते हैं, वहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ चुकी है कि नहीं। अब हमने कुक एंड वॉलेट को जैसे ओपन किया, रिफ्रेश किया, तो देखें हमारे अकाउंट में अमाउंट आ चुकी है $14.19, ठीक है, $USD हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। अब ये देखिएगा, अब जो अकाउंट में जो हमारे पास आए हैं ये हमारे आए हैं मेन अकाउंट में। तो दिखाऊंगा कि आप किस तरह यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए आपको अपने मेन अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, यानी कि जितने आप स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं उतने मेन अकाउंट से डॉलर आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अभी के लिए मैं सारे के सारे मेन अकाउंट के जितने भी हैं वो $14 वो सारे मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। तो उसके लिए आपने यहाँ पे आ जाना है, मेन अकाउंट पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ट्रांसफ़र की, तो आपने ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। तो हम ट्रांसफ़र पे करना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं, हम कहते हैं USDT। आपके पास USDT है तो आप USDT ट्रांसफ़र करें, अगर इसके अलावा कोई कहीं ना तो आप वही भी कर सकते हैं। मैं USDT सेलेक्ट करूँगा। आप देखें मेन अकाउंट से हम किस में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ऊपर जो होगा वो आपका मेन अकाउंट होगा फ्रॉम, और टू आपका होगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो कितने आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसको आर करते हैं, यानी कि सारे के सारे ट्रांसफ़र हो जो हम इसको कन्फर्म करेंगे। तो देखें यहाँ से ये ख़त्म हो गए हैं और ये अब आगे हमारे पास ओवरव्यू में जाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ गए हैं, ठीक हो गया। ये सारे के सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुके हैं। अब यहाँ से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह यहाँ पे कोई भी काइन परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे आना ऑप्शन पे, सेंटर पे ऑप्शन आ रही है ट्रेड के, तो आपने ट्रेड पे स्टार्ट करना है। ट्रेड पे स्टार्ट करने के बाद ऊपर हमारे सामने काफ़ी ऑप्शन आ रही है, आपने किसी को नहीं छेड़ना, आपने स्पॉट पे ही रहना है। स्पॉट पे रहने के बाद यहाँ पे सेकंड पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है BTC/USDT, मींस के बिटकॉइन है और हम उसको ले सकते हैं USDT से, ठीक है। तो हम इस पर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप बिटकॉइन लेना चाहते हैं तो वो आ रहा है यहाँ पे। अगर आप कोई दूसरा काइन परचेज करना चाहते हैं, आप एथेरियम करना चाहते हैं तो आप एथेरियम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई मजीद कोई दूसरा करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ डोजी काइन करना चाहता हूँ, तो ये देखें DOG। तो आप इसको किस तरह परचेज कर सकते हैं, USDT से भी कर सकते हैं और BTC के थ्रू भी कर सकते हैं, KCS से भी कर सकते हैं। मैं भी USDT है हमारे पास, तो आपने वही सेलेक्ट करना है, USDT करेंगे। बाय करना चाहते हैं कि सेल करना चाहते हैं, तो हम बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अभी हम बाय करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बाय करेंगे और लिमिट आ रही है हमारे पास। अब लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है और स्टॉप मार्केट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। अभी के लिए मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ, लिमिट और मार्केट। लिमिट में क्या फ़र्क है और मार्केट में क्या फ़र्क है, इन दोनों में लिमिट और मार्केट में क्या फ़र्क है, ये दोनों चीज़ें मैं अभी आपको समझाता हूँ। लिमिट में ये होता है कि ये देखें अभी इसका करंट रेट चल रहा है 0.06025। आप इसको परचेज करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ इसमें परचेज करना चाहता हूँ, जैसे ही इसकी वैल्यू आए इसको हम कम कर देते हैं, हम कहते हैं 15, यानी कि 0.06015 पे जैसे ही वैल्यू आए और हम कितने अमाउंट के डोजी कॉइन परचेज करना चाहते हैं, हमारे पास अवेलेबल हैं $14। तो मैं सारे के सारे ही परचेज करना चाहता हूँ, तो उसमें हम 100% भी कर सकते हैं, 50% के करना चाहते हैं, 75% के करना चाहते हैं, तो वो ऑटो आ जाएगा। मैं 100% के करना चाहता हूँ तो सारे ही हमारी अमाउंट यूज़ होगी और हमारे पास इतने डोजी कॉइन आ जाएंगे 235, ठीक हो गया। तो हम इसको बाय करेंगे तो ही हमारी एक ट्रेड लग जाएगी, और जैसे ही इसकी वैल्यू 0.06015 पे आएगी तो ये ऑटोमेटिकली परचेज हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये हो गया लिमिट। मगर जो दूसरा इसमें है मार्केट, मार्केट में क्या फ़र्क है, मार्केट में ये होता है कि आप लिमिट लगा के आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ता है, मगर मार्केट में ये होता है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता, जो मार्केट में रेट होता है उसी रेट के मुताबिक वो परचेज हो जाता है। मैं कहता हूँ मार्केट, तो मैं इस पर इसको सेट करता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे लिमिट की ऑप्शन नहीं आ रही, तो जो मार्केट में रेट होगा उसी रेट पे ये हमारी परचेज हो जाएंगी। तो मैं इस पर 100% करता हूँ
और अभी मैं जो करंट रेट आ रहा है इसी पे ही परचेज़ कर लेता हूँ। मैं सारे के सारे ही USB के ये डोजीकॉइन ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं इसको बाय कर देता हूँ। तो हम इसको जैसे ही बाय करेंगे तो देखिएगा, अब हमारे पास आ रहा है ट्रेडिंग पासवर्ड। आपके पास यानी कि कोई भी ट्रेड करनी है तो उसके लिए आपके पास एक पासवर्ड, आपने ट्रेड पासवर्ड लगाना है। तो अगर तो आपके पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ तो आप पहले पासवर्ड को सेट करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी पासवर्ड सेट करने की, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सेट किया हुआ है तो आप यहाँ पे पुट करें, अगर आप भूल गए हैं तो आप फॉरगेट ट्रेडिंग पासवर्ड भी कर दें। तो मैं अभी आपको ये भी बताऊँगा कि आप ये पासवर्ड कहाँ से सेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने ट्रेडिंग पासवर्ड लगाया हुआ, तो मैं अभी यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो देखें हमारा ट्रेडिंग पासवर्ड मैंने पुट कर दिया, तो ये देखें हमारे ये परचेज़ भी हो चुके हैं। अब हम एसेट पे आएंगे, एसेट पे आने के बाद हम आते हैं ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग पे जैसे ही आएंगे तो ये देखें हमारे टॉप पे हमारे पास आ रहे हैं डोजी काइन आ रहा है, और टोटल हमारे पास आए हैं 235 काइन है, और इसकी वैल्यू है 14.18 डॉलर, और USD हमारे पास कोई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन पैसों से हमने खरीद लिए थे डोजी काइन। तो इस तरीके से आप अपने स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ से विड्रॉ करना बताऊँगा कि आप किस तरह अपने वॉलेट से जो भी काइन है वो आप किस तरह यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विड्रॉ करवा सकते हैं। अभी हमारे पास ये डोजी काइन है, ये हम यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने एसेट पे आ जाना है। एसेट पे आने के बाद ऊपर सबसे ऊपर हमारे पास ओवरव्यू आ रहा होगा। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सेकंड पे ऑप्शन आ रही है विड्रॉ की, तो आपने यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करना है। तो ये देखें हमारे पास विड्रॉ सिक्योरिटी सेटिंग आ रही है, ट्रेडिंग पासवर्ड आ रहा है जो कि हमने लास्ट टाइम ही लगा दिया हुआ था, वो कंप्लीटेड है। जब हमने की थी तो तब भी हमने पासवर्ड यहाँ पे लगा के ही किया था। तो सेकंड आ रहा है हमारे पास SMS गूगल वेरिफिकेशन, इसको हमने इनेबल करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और हमारा ये ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा और ये हमारा इनेबल हो जाएगा। तो जो हमने ईमेल है उस पर हम इस पर सेंड करते हैं, जो कोड हमें ईमेल पे सेंड हो जाएगा, तो हम इधर पुट करेंगे तो इसको वेरीफाई करवाते हैं। तो ये देखें मैंने कोड पुट किया, कोड पुट करने के बाद हमारा ये वेरीफाई हुआ है। अब वेरीफाई होने के बाद हमें ये कह रहा है कि प्लीज़ डाउनलोड एंड इंस्टॉल द गूगल ऑथेंटिकेटर, इफ़ यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल प्लीज़ गो टू द नेक्स्ट स्टेप। आपके मोबाइल पे गूगल ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर तो आपने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो आप ऑलरेडी इंस्टॉल कंटिन्यू करें, अगर नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ, वहाँ से गूगल ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल करें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। तो मैं आता हूँ प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर हम सर्च करते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर, ठीक है, इसको हम यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। तो ये देखिए हमारा इंस्टॉल होने के बाद हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रही है, स्कैन QR कोड और एंटर सेटअप की। तो अब आपने आ जाना अपने कुकाइन वॉलेट के ऊपर। तो हम आते हैं कुकाइन वॉलेट, अब हम कुकाइन वॉलेट पे आ गए। तो अब हम यहाँ पे आके इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हम इस पे करते हैं और यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे प्रोसेस आया हुआ है, प्लीज स्कैन QR कोड और कॉपी द प्राइवेट की टू गूगल ऑथेंटिकेटर। आप स्कैन भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको कॉपी करके प्राइवेट की हम कॉपी कर लेते हैं प्राइवेट की, और हम आते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर पे। तो गूगल ऑथेंटिकेटर पे आने के बाद तो हम आते हैं यहाँ पे एंटर द सेटअप की। एंटर द सेटअप की करने के बाद हम अकाउंट नेम लिखेंगे, हम यहाँ पे हम कहते हैं कुकाइन, और यहाँ पे की जो हमने यहाँ पे काफ़ी की जो पेस्ट कर देते हैं, और टाइम ऑफ की जो है वो हम टाइम बेस ही रहने देते हैं, और इसको ऐड कर देते हैं। तो देखिएगा ये हमारी की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो अब ये की हमने यहाँ पे पुट करनी है अपने कुकाइन वॉलेट के ऊपर, और यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हम एंटर वेरिफिकेशन कोड करें और हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा SMS और गूगल वेरिफिकेशन भी हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पे इसको सर्च करेंगे कि कौन सा काइन हम विड्रॉ लेना चाहते हैं। हमारे पास डोजी काइन है तो हम इसको डोजी काइन पे करेंगे, और यहाँ पे देखें हमारा काइन आ गया डोजी काइन, वॉलेट एड्रेस उसी तरह हम जहाँ पे ये ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और उसका हम एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे नेटवर्क पे आ जाएंगे। तो नेटवर्क हमने वही रख देनी है TRC20, और विड्रॉ अमाउंट हम यहाँ पे करेंगे, और इसी तरह हम यहाँ पे इसको आके विड्रॉ कर देंगे। तो इसी तरह आप यहाँ पे अपने विड्रॉ ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरह यहाँ पे अपने डिपॉजिट करवा सकते हैं, USD को उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं मेन अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि आप किस तरह इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करने के बाद आपको विड्रॉ का नंबर बता दिया। मैं उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाफ़ी।